नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको बताएंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं हिंदी में। और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी आपको देंगे हिंदी में। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको हम वेबसाइट के थ्रू बताते हैं, आपको अपने ब्राउजर पे rozgarresult.com को ओपन करना है। दोस्तों ध्यान है, rozgarresult.com। आप rozgarresult.com डाउनलोड करेंगे, इसका यहाँ आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2017 का एडमिट कार्ड आ गया, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एक अल्टरनेटिव आपको और वेबसाइट बताता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, उसका नाम है sarkaririzult.com। जी हाँ दोस्तों, sarkaririzult.com। लास्ट में आपको .com जरूर चेक करना है क्योंकि सरकारी रिजल्ट नाम से मिलती जुलती बहुत सी वेबसाइटें आ गई हैं। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आपने के मोबाइल पे या लैपटॉप पे सरकारी रिजल्ट खुली हुई है तो उस पर लास्ट में .com तुरंत चेक कीजिए कि वो ओरिजिनल वाली खुली है कि नहीं, क्योंकि यही वेबसाइट ट्रस्टेबल है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, सबसे तेज मिलेगा, कोई फेक चीज़ नहीं है इसमें। चलिए दोस्तों बात करते हैं एडमिट कार्ड की। देखिए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2017 का एडमिट कार्ड आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखेंगे दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट नंबर इसका ये है 26 एग्जाम 2016, यानी आपको जो अपना प्रिंट आउट निकालना है वो ये वाला निकालना है। एग्जाम आप देख सकते हैं इसका 31 मई 2019 को और एडमिट कार्ड इसका 23 मई 2019 से आ चुका है। चलिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड का लिंक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे एडमिट कार्ड का ये लिंक खुल गया। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है अपनी, मतलब यहाँ पहले डेट मंथ ईयर डालना है, फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, कैप्चा डालना है, ग्रीन बटन पे क्लिक कर देना है एडमिट कार्ड डाउनलोड। दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड आपको मैं भी करके दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो क्या करना है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने में आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना पड़ेगा, फादर नेम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, वेरिफिकेशन कोड डाल के सर्च कराना पड़ेगा। मैं डाल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने अपनी डिटेल्स डाल के सर्च कराया तो टोटल जो है 8 रिकॉर्ड जो है फाउंड हुए। देखिए यहाँ पे दे रहा 8 रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि जो जो एग्जाम हमने अप्लाई किया था सारे आ गए। देखिए दोस्तों जूनियर असिस्टेंट कि आपने हो सकता हो पहले भी डाले हो, जूनियर असिस्टेंट 2016 2015, तो जिसमें खाली जूनियर असिस्टेंट लिखा है वही वाला जो इस समय एडमिट कार्ड आया है, जो इस समय एग्जाम का एडमिट कार्ड आया है। दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, 2016 वाले पे एडमिट कार्ड नहीं निकलेगा, जिसमें खाली जूनियर असिस्टेंट लिखा है उसी पे एडमिट कार्ड आप निकाल सकते हैं। आप इस तरह अपना नाम और पिता का नाम डाल के फाइंड करके रजिस्ट्रेशन नंबर जान लीजिए, उसके यहीं से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लीजिए और वापस आप चलिए sarkaririzult.com या rozgarresult.com। चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको। ये दोस्तों वापस हम जो है अगर rozgarresult.com पे यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड पे हमने दोबारा क्लिक कर दिया और क्लिक करते ही मैं देखेंगे आप हमारा जो है पेज ओपन हो रहा है। ये देखिए ओपन हो गया। अब मैं यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा जूनियर असिस्टेंट का, डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, जेंडर डालूंगा, वेरिफिकेशन कोड डाल के ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करूंगा। मैं करके दिखाता हूँ, आप देखते जाइए। दोस्तों देखिए डिटेल्स मैंने फिल आउट कर दी है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब डाल दिया। सिक्योरिटी रीजन की वजह से दोस्तों मुझे हाइड करना पड़ता है, लेकिन दोस्तों आपको हाइड नहीं करना पड़ेगा, आप उसको आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों डाउनलोड करते हैं, आपको आगे की जानकारी देते हैं। दोस्तों देखिए एडमिट कार्ड हमारा डाउनलोड हो गया है, यहाँ ऊपर देखेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर हमारा दे रहा है जूनियर असिस्टेंट कम जूनियर क्लर्क का जो एग्जाम है 2016 सेकंड वाला। और दोस्तों नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपका रोल नंबर शो कर रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। यहाँ आपका नाम का डिग्री शो कर रही है, नीचे देखेंगे यहाँ एग्जामिनेशन की आपकी डिस्ट्रिक्ट जो दे रही है लखनऊ, और सेंटर कोड आप देख सकते हैं प्रज्ञा बालिका इंटर कॉलेज दे रहा है, पूर्वांचल के लिए जो सेंटर का एड्रेस है वो दे रहा है। यहाँ देख सकते हैं एग्जामिनेशन डेट दे रहा है 31/5/2019। यहाँ देखिए मीटिंग दी हुई है, फर्स्ट मीटिंग में सुबह 10 से 11 बजे तक। अब चलिए दोस्तों इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, नीचे आते हैं, नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, पढ़ने के बाद ही जो है आप जो एग्ज़ाम देने चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के इसमें टोटल 17 तरीके के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। रफ कार कैसे करना है, टाइम पर कितने बजे पहुँचना है, क्या आपका प्रोसीजर है, पूरा इसमें इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। इसको आप A4 साइज पेपर में प्रिंट करवा लीजिए, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही प्रिंट करा सकते हैं आप। दोस्तों कलर कराएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा उसमें फोटो वगैरह अच्छी आती है, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट लीजिएगा तो अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, आपकी फोटो वगैरह क्लियर रहे। तो दोस्तों बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन का यूज़ कीजिए या तो sarkaririzult.com और rozgarresult.com का ही इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।